हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो सेशन है वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे एमकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज, और ये सारे एमसीक्यूज बहुत रेलेवेंट है हर एक यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर्स के भी इंक्लूड किए हैं। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में ना हम एक बात बता दें कि इस शीट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेलेवेंट है, बट कहीं ना कहीं हमने उसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है अपने पुराने कुछ वीडियोस में। तो आज हम लोग डिस्कशन कॉन्सेप्ट पे नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे हमारा फोकस होगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। देखो, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज प्रपोज्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर कंट्रीज ऑफ ASEAN। द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय द नो डाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर, मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर मिलकर के काम करती है, किसी एक का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है और दूसरे का डिसीजन होता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, देर इज़ को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर। डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मीन्स जब हम किसी के मान लो घर विजिट करते हैं तो वहाँ इफ़ इन केस उनके यहाँ AC लगाए तो उस AC को देख करके हमें क्या लगता है कि अगर वो AC खरीद सकते हैं तो हम भी AC खरीदेंगे, होता है। तो बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, मतलब देखा देखी जो आप किसी और के घर देख करके उसके कंजम्पशन के बारे में सोचते हो। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इमिटेटिंग इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन। नेक्स्ट, द ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ, ये रिलेटेड है फिश प्रोडक्शन से। नेक्स्ट, डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां गवर्नमेंट अपना कुछ शेयर प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसफर करता है। तो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मीन्स इज करेक्ट। अब देखो, हमारा जो सेकेंड चैनल है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, उस पर हमने सब कुछ अपलोड करके रखा हुआ है, तो अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर से क्लियर कर लेना। वह हमने बताया भी कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर होगा हार्मोनिक मीन से, और साथ ही साथ तीनों इक्वल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स अर्न, शेयर होल्डर को हमेशा क्या मिलता है, डिविडेंड। नेक्स्ट, इनडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स। ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी इज रिक्वायर्ड इन, ऑर्डिनल मतलब जिसको हम नंबर्स में कैलकुलेट कर सके, और ये हमें ज़रूरी होता है जब हमें यूटिलिटी का कैलकुलेशन करना होता है। नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टी एंड शुगर, अगर हम बात कर रहे हैं टी एंड शुगर की तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुए ना कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में रिलेशन होता है नेगेटिव। अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड घटेगी, और एक की प्राइस घटेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, नेगेटिव। नेक्स्ट, इफ टू वेरिएबल्स चेंजेस इन द सेम रेशियो एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन द कोरिलेशन इज सेट टू बी, ये भी हमने बताया है कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है और सेम ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, एक में पॉजिटिव चेंज है तो दूसरे में भी पॉजिटिव, एक में नेगेटिव चेंज है तो दूसरे में भी नेगेटिव, तो इसको हम कहते हैं परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर? एंड क्योंकि अपवर्ड बोला है ना, डाउनवर्ड तो बोला नहीं, अपवर्ड मतलब किसकी बात कर रहा है, बढ़ने की। नेक्स्ट, द नाबार्ड इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम इन ओडिशा। कॉस्ट इनकर्ड ऑन द बिल्डिंग इज नो डाउट फिक्स्ड कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट इज मार्जिनल कॉस्ट। स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स अ मैनेजर कैन सुपरवाइज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स। नेम द ई कॉमर्स कंपनी विच लॉन्च्ड इंडिया आर्ट हाउस फॉर हैंडीक्राफ्ट लवर्स, फ्लिपकार्ट। प्रायोरिटी टू हैवी इंडस्ट्री वॉज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेकेंड 5-year प्लान। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन कंपनी इन द लॉन्ग रन अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में हमेशा वो क्या अर्न करेगी, नॉर्मल प्रॉफिट। और देखो, ये सारे क्वेश्चंस हम पहले बता रहे हैं कि हमने अपनी पहले की बहुत सारी क्लासेस में जो अपलोड किया है वहाँ सबका कॉन्सेप्ट अपलोडेड है, इसीलिए हम इसके कॉन्सेप्ट पे आज बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज कंसर्न्ड विद सिंक्रोनाइजेशन एंड यूनिफाइंग द एक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन।
इसका करेक्ट आंसर होगा कोऑर्डिनेशन, दैट इज सी. द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजंस एक्ट दैट इज सीका वाज पास्ड इन 1985. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग विच रिप्लेस प्लानिंग कमीशन. नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग. क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सीक्स टू, ये बेसिकली आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द कंपनी. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द सेट्स गोल. करेक्ट आंसर होगा डी, स्ट्रैटेजीज. नेक्स्ट, स्टेप इज द एब्रिविएशन नेम ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम टू हेल्प वुमेन. द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट वॉज पास्ड इन, इसका करेक्ट आंसर है 1926. नेक्स्ट, ग्रेपवाइन रिफर्स टू अ टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. भारत निर्माण प्लान इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. द डिफरेंस बिटवीन द ATC एंड AFC शोज, नो डाउट इसका डिफरेंस क्या होगा, ABC. अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर. कंजर्वेटिज्म. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि अगर प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में कितना चेंज होगा. तो करेक्ट आंसर होगा सी, रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज अ रिजल्ट ऑफ रिलेटिव चेंज इन प्राइस लेवल. नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक्स लार्जेस्ट शेयर होल्डर इज USA. नेक्स्ट, जीरो बेस्ड बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डी पीटर ए फायर. Which one of the following is not non-plan expenditure? Non-plan expenditure कौन सा है? D. Assets creation through centrally sponsored scheme. Which one of the following taxes is not imposed by state government? Corporation tax. Fiscal policy aims at deficit and debt management. Taxes on the consumption or sale of electricity is levied by state government. Who is credited with bringing the term the invisible hand in economics? Adam Smith. Next, trade-offs are required because wants are unlimited and resources are scarce. Points on the PPF, that is production possibility curves, are efficient. Positive statements hamesha kiski baat karta hai? Jo actually mein hai. Clear? Toh correct answer hoga C. Next, if an increase in consumer income leads to a decrease in the demand. Consumer की income बढ़ रही है but demand घट रही है, ऐसा कहाँ होता है? Inferior goods में, जो low quality products होते हैं. Next, if demand is linear, linear मतलब straight line की बात करें, then price elasticity of demand is. No doubt, हम सब ने ये देखा होगा इस तरीके से, ये जो एज पर ज्योमेट्रिक मेथड बनता है तो यहाँ पे ED इज इक्वल टू 1 होता है, ये ED इज इक्वल टू 0 है और ये ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट है. तो अगर ऊपर जा रहे तो इलास्टिक है और नीचे जा रहे तो इन इलास्टिक है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. देखो लॉन्ग रन में ना होता क्या है कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, वेरिएबल, फिक्स्ड फैक्टर खत्म हो जाता है. नेक्स्ट, इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म्स आर ऑपरेटिंग एट, अगर लॉन्ग रन की बात करें तो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स एंड द डे टेम्परेचर इज डैश कोरिलेशन. जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे वुलन गारमेंट्स की जो सेल है वो बढ़ेगी, है ना? तो नेगेटिव रिलेशन हो गया. कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई लाइज बिटवीन -1 to 1. अ डैश एक्सपेक्ट्स अ फॉल इन प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज इन द नियर फ्यूचर. बियर. प्लानिंग कमीशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग. Who is the present governor of RBI? Shaktikanta Das. The present Chief Justice of India is N.V. Ramana. The fiscal policy of India is prepared by Ministry of Finance. And RBI kya banati hai? Monetary policy. Next, the Community Development Program was started in 1952. Which of the following is known as fourth pillar of democracy? Media. ICICI is the name of financial institution.
In the second nationalization of commercial banks, Dash banks were nationalized. 6. Debenture holders of a company are its creditors. Deficit financing means that the government borrows money from. Deficit financing में basically वो किससे borrow करती है? RBI. Next, in two consecutive periods, sales and profit given है मेरे पास. And हमसे question में बोल रहा है कि हमें PV ratio calculate करना है. तो PV ratio हमें calculate करना बताया है कि simply हम लोग क्या करेंगे? Change in profit divided by change in sales कर सकते हैं. क्लियर. तो प्रॉफिट मेरा पहले साल कितना है 8,000 और दूसरे साल कितना है 14,000. तो दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया 6,000 डिवाइडेड बाय 180,000 माइनस 160,000. ये हो जाएगा 20,000. बस आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. करेक्ट आंसर आएगा सी 30. नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में EOQ कैलकुलेट करना है. तो सिंपली EOQ का फॉर्मूला पहले क्या होता है वो देख लो. 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंजम्पशन कॉस्ट. अब ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो 400 कितना है पर मंथ. तो ये एनुअल कंजम्पशन होता है. तो 400 मल्टीप्लाई बाय 12 और हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स पहले बता चुके हैं. तो ये आ जाएगा 4800. बस अब हमें फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देनी है. 2 मल्टीप्लाई बाय 4800 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट. कैसे निकालते हैं? जितना पर यूनिट कॉस्ट होता है मल्टीप्लाई बाय जो भी उसका रेट प्रोवाइडेड है. तो 40 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 15% कितना हो जाएगा 6. बस अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो मेरे पास आंसर आ जाएगा. इसका करेक्ट आंसर आएगा 400 यूनिट्स. नेक्स्ट करंट रेशियो गिवन है क्विक रेशियो गिवन है. इफ द करंट लायबिलिटीज इज 40,000 देन वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा? वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछा है. करंट असेट नहीं पूछा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछा है. मतलब हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास करंट असेट में क्या होगा. अब देखो करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज 2/1. क्लियर. तो यहां से हम ये चीज ले सकते हैं कि करंट असेट कितना है 2 करंट लायबिलिटी. अब क्विक रेशियो देखो दिया है. तो क्विक रेशियो मतलब सिंपली क्या होता है? क्विक असेट दैट इज करंट असेट माइनस स्टॉक. वैसे तो प्रीपेड भी होता है पर प्रीपेड यहां नहीं लेंगे. डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1.80/1. क्लियर. अब देखो करंट असेट हमने निकाला था. करंट असेट क्या है? 2 करंट लायबिलिटी माइनस स्टॉक इज इक्वल टू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 1.80 करंट लायबिलिटी हो जाएगा. ये इधर ले जाओ स्टॉक इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 0.20 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू स्टॉक. और करंट लायबिलिटी मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 8,000. नेक्स्ट अ कॉस्ट इनकर्ड इन पास्ट एंड हेंस इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग इज संक कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट आर कन्वीनियंटली डीम्ड टू बी. ये हमेशा टोटल में कॉन्स्टेंट होता है और पर यूनिट डिक्रीज होता है. क्लियर. ऑप्शन देख लेते हैं. कॉन्स्टेंट इन टोटल व्हेन प्रोडक्शन वॉल्यूम चेंजेस. नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी टाइम यूटिलिटी फॉर्म यूटिलिटी ऑल ऑफ द अबव. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है. The term ERG stands for existence, relatedness and growth. Which company's share can be freely transferable? Private company. Maximum number of members in case of private company is 200. Central government permission is required in case of conversion of private company to public company. Within how many days prospectus or statement in lieu of prospectus should be filed with ROC? 30 days. वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन एंटर इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर कर सकता है जो साउंड माइंड का हो. कंसेंट विल बी सेट टू बी फ्री व्हेन देयर इज कंसेंसस एड इटिम. मतलब जब वो अपनी मर्जी से दिया गया हो तब वो फ्री माना जाता है. वेयर बोथ द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मतलब दोनों को ही नहीं पता है कि सच क्या है, दोनों को ही उसमें डाउट है या कह लो कि दोनों ही उसमें गलत हैं अपनी सोच को लेके. तो उस केस में ना उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कहते हैं जहां पे बात आती है कंसेंट की. ठीक है. और कंसेंट के केस में हम लोग मानते हैं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं अगर फ्री कंसेंट ना हो तो. बट अगर बोथ पार्टीज अंडर मिस्टेक है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है. एन अग्रीमेंट इज डैश बिकॉज ऑफ इनएडुकेट कंसिडरेशन. अगर इनएडुकेट कंसिडरेशन है कि अगर कंसिडरेशन प्रॉपर नहीं है तो वो आगे चल करके वॉइडेबल होगा. जब बनेगा तब वो वैलिड होता है बट बाद में वो वॉइडेबल में कन्वर्ट हो जाता है. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनसाउंड पर्सन. Sane person but obvious. One of the following elements
वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट विटिएट फ्री कंसेंट ड्यू इन्फ्लुएंस, क्वेश्चन करता है फ्रॉड, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये पांच चीज़ें होती हैं जहां आपका कंसेंट फ्री नहीं होता। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सटेंशन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज टू। द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन केम इन टू एग्जिस्टेंस इन, करेक्ट आंसर होगा सी, 1987। नेक्स्ट, द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन द कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट, दिस इज कॉल्ड SLR, दैट इज अ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वट इज द मेन स्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नो डाउट एग्रीकल्चर। सब्सिडीज मीन, सब्सिडीज का मतलब होता है जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट देती है ऑर्गेनाइजेशंस को, क्लियर। करेक्ट आंसर होगा बी, जहाँ पे वो बिना कुछ खरीदे उनको बेनिफिट दे रही है। द ASEAN स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, हु डेवलप्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम, FW Taylor। SBU स्टैंड्स फॉर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। फोर पीस ऑफ मार्केटिंग वेयर गिवन बाय MacCarthy। फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग, ICICI बैंक बेसिकली प्राइवेट बैंक है। विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय RBI, बेसिकली ये यूज करते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स मेथड। मॉनिटरी पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, ये ऊपर हमने बताया भी था। IBRD इज पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक। वॉट डज SDR स्टैंड फॉर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज वन, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस अलग अलग लोगों पे पड़ता है। अ फर्म्स टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड एट एन इक्विलिब्रियम व्हेन MR इज इक्वल टू MC। व्हाट डज गैप रिप्रेजेंट्स, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन इंडिया बैंक रेट इज डिटरमाइंड बाय RBI। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स केम इन टू इफेक्ट ऑन 1 July 2017। विच इज नॉट द पीस ऑफ मार्केट, प्राइस है, प्लेस है, पैकेजिंग है, बट क्या प्रमोशन है? नहीं। ABC इज अ मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वॉज डेवलप्ड बाय होम, जेकॉब बर्नौली। इफ P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू हाफ, द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी परफेक्टली सिमेट्रिकल। हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर होगा C, M वेंकेश नायडू। नेक्स्ट, इन नीति आयोग, नीति स्टैंड्स फॉर, अभी ऊपर बताया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इन इंडिया फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हैपेंड इन, इसका करेक्ट आंसर है 19 July 1969। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर बैंक, इसका करेक्ट आंसर होगा D, इंग व्यास बैंक। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया इज इंश्योर्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर है C, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। The era of liberalization began in 1991. Globalization means earning profits from exports. The Competition Act was enacted in, iska correct answer hoga D, December 2002. Mahanaboli's model of planning laid great emphasis on the development of heavy industries. The Securities and Exchange Board of India was constituted in, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1992, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। नेक्स्ट, द MRTP एक्ट वॉज रिपील्ड इन, इसका करेक्ट आंसर है C, 2002। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। नेक्स्ट, द इंडेक्स यूज टू मेजर चेंजेस इन टोटल मनी वैल्यू इज कॉल्ड एज, टोटल मनी वैल्यू की बात कर रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा A, प्राइस इंडेक्स, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट, द बेसिक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज रेफर्स टू स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगेंस्ट ओल्ड एज सिकनेस इज कंसर्न्ड विद सेफ्टी नीड्स। एंड लास्ट क्वेश्चन, फ्यूल प्रोपाउंडेड हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14, क्लियर। अब ये 120 क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कॉमर्स के भी बताए और कुछ क्वेश्चंस हमने जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड भी बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास यूज़फुल लगी होगी। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।